हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फूडीज अनीता। तो आज मैं आप सबके लाई हूँ मिक्स वेज का अचार, जो कि बनाना काफ़ी आसान है और मैं आपको बिल्कुल नए तरीके से बनाना बताऊँगी, जो कि आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा इस तरीके से अचार बनाना, जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये जो अचार का जो रेसिपी है, ये मैं आपको बिहारी तरीके से बताने जा रही हूँ, बिहार में लोग कैसे बनाते हैं अचार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लूँगी अदरक 200 ग्राम, 200 ग्राम हमें लेना है लहसुन, 250 ग्राम लेना है हरी मिर्च, 1/2 kg हम लेंगे गाजर। इन सबको बारीक काट के, लंबे आकार में काट के धूप में हम इसे सुखा लेंगे। और यहाँ पे मैं ली हूँ मूली और फूल गोभी, वो भी मैंने 1/2 kg लिया है, इन सबको मैंने धूप में सुखा लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी मेथी 2 चम्मच, और इसे हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे सौंफ को भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे सौंफ और मेथी दोनों ड्राई रोस्ट हो गया है। तो यहाँ पे लूँगी मैं सरसों 1 कप, और इसका मैं इस तरीके से फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी, और इसमें मैं सौंफ और मेथी भी डाल के फाइन पाउडर तैयार कर लूँगी इस तरीके से। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सूखी मसाला, इसे मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, और हमें लेना है 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। और सारे मसालों को हम वेज में मिक्स कर देंगे इस तरीके से, ऐड कर देंगे। और यहाँ पे मैं सरसों का जो मैंने पाउडर बनाया था, सरसों सौंफ और मेथी का, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे नमक लेना है, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है, और इसे हमें ऐड कर देना है इस तरीके से। यहाँ पे हम लेंगे अजवाइन 1 चम्मच, और 1 चम्मच हम लेंगे ब्लैक क्यूमिन, और उसे भी हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंगे सरसों का तेल, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हींग, और तेल को हम गरम कर लेंगे। जो तो यहाँ पे जो तेल है गरम हो चुका है, इसे हम अचार में ऐड कर देंगे इस तरीके से, ऐड कर देंगे अचार में। और फिर हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे जो अचार है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसे धूप में रखेंगे 2 दिन, अच्छे से हम इसे धूप में सुखाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऊपर से लाल मिर्च डाल दिया है, क्योंकि धूप में सुखाने से पहले हम लाल मिर्च डाल देते हैं। तो अब मैं इसे 2 दिन के बाद बॉटल में इस तरीके से ऐड कर दूँगी, मतलब रख दूँगी बॉटल में। और तो अचार जो है हमारा रेडी है। तो इस तरीके से हम बिहार में अचार बनाते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।